जब मैंने फ़ोन किया ये खास करके कि आप हमारे फंक्शन में तशरीफ लाएँ चीफ गेस्ट, तो वो उस वक्त हॉस्पिटल में थे, उनको वो एक डेंगी फीवर था और उससे वो खांसी तकलीफ में थे। लेकिन यकीन मानिए कि उन्होंने एक दफ़ा भी मुझे नहीं कहा कि मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगी यहाँ से सीधा हॉस्पिटल से आपके पास आना पड़े, मैं आपके पास आऊँगा। मैं उनका बिजनेस कम्युनिटी और गुजरात की जो फैन एसोसिएशन है उसके साथ उनका प्यार और मोहब्बत है, इस तौर पर इसके लिए मैं खास तौर पर उनका मान लूँ। मैं यहाँ पे शेख साहब की एफर्ट्स का भी जो है वो मोटरिंग भी हूँ और शुक्रिया भी अदा करूँगा। मैं खुद एक मीटिंग में शामिल था जो कि पिछली गवर्नमेंट जो कि थी उसमें उन्होंने एक इंडस्ट्री के लिए पैकेज बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर से जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे हासिल किया था। ये बिल्कुल उस तरह का पैकेज था जिस तरह के और उन्होंने ये जो रियल इस्टेट को आते ही दिया था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रियल इस्टेट को, उसी तरह का एक पैकेज शेख साहब और उनकी टीम ने अंजुम निसार साहब भी उस टीम के हेड थे, उन्होंने इन सब ने मिलकर बहुत मेहनत करके वो डिज़ाइन कराया और वो उन्होंने इंडस्ट्री के लिए वो पैकेज अनाउंस किया। वो बेसिकली एक एमएनएसटी पैकेज था कि जिसमें आप अगर इंडस्ट्री में प्लांट इक्विपमेंट में चाहे वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है या नई है उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टोटल इम्यूनिटी होगी, सोर्स ऑफ फंड्स नहीं पूछा जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम थी लेकिन फिर वो पहले आई एम एफ के प्रेशर्स की वजह से वो आगे वो चल ना सकी। लेकिन उस जिस तरह से इन्होंने उसके लिए कोशिश की और जिस तरह से इन्होंने कन्विंस किया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा था कि किसी भी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा पैकेज दिया। और अब भी जहाँ उनको मौका मिलता है तो बिज़नेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को पूरे ज़ोर शोर से उसको प्रोजेक्ट भी करते हैं और प्लीट भी करते हैं। यहाँ मैं फैन अपने तमाम जो दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजराना से भी दोस्त आए हमारे फैन एसोसिएशन के अलावा फर्नीचर एसोसिएशन के और पार्टी एसोसिएशन के अहदेदारान और दोस्त भी तशरीफ आए हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। फैन इंडस्ट्री के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक तो हमें इस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बनाना है, क्योंकि पिछले 40-50 साल से हम पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का हम पूरी तरह से किरदार अदा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो फैन इंडस्ट्री है वो जो इम्पोर्टेड फैंस हैं उनका पूरी तरह से मुकाबला भी करती है और उनका रास्ता भी होती है। और जो भी दुनिया में फैन के हवाले से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें भी हमारी इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करने में खासी वो एफिशिएंट है। यहाँ पर मिसाल दूँगा हमारे दोस्त हैं खुर्शीद फैन और तैमूर खान वाले यहाँ बैठे हैं, उनके मालकान भी जब यहाँ पे चाइनीज ने जो आर की अपने नई टेक्नोलॉजी जो डी सी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर बेस करके फैंस, आपको ये जिन रखना चाहिए कि चाइना में जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो पूरी दुनिया में ही लगती है। उनका एकेडमिक बेस बहुत बड़ा है, उनका इंडस्ट्रियल रिसर्च का बेस बहुत बड़ा है, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे हमारी लोकल मार्केट में पेनिट्रेट किया बहुत ज़्यादा वो एसी सॉरी इन्वर्टर फैन जो है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने पेनिट्रेट किया तो हमारी इंडस्ट्री ने बड़ी जल्दी उसको अडाप्ट भी किया, उसको उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोटली चाइनीज को इस मार्केट से ड्राइव आउट कर दिया। अब वो जितना आपको डीसी इन्वर्टर फैन मिल रहा है वो लोकलाइज है और पाकिस्तान में बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की भी बात होती है और जो हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी जो इंटरनेशनल जो हैं कंसल्टेंट्स वो भी आके गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आप जो आपकी गैजेट्स हैं जिसमें फैन इज प्रॉब्ली द टॉप मोस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, आप इसको एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ लेके जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि इसका फ्यूचर जो है इंडस्ट्री का भी और मुल्क के लिए जो बेहतर है वो इन्वर्टर डीसी टेक्नोलॉजी में है, क्योंकि वाकई वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। लेकिन उसके लिए हमें जो इंपोर्ट जिन जिन आइटम्स पे इंपोर्ट पे हमें बहुत ज़्यादा इन्हसार करना पड़ रहा है वो है उसकी जो दो तीन मेजर आइटम्स हैं जिसमें एक मैगनेट्स हैं और दूसरा वो उसका जो सेक्रेटरी है इलेक्ट्रॉनिक सेक्रेटरी है। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ
हेल्प लेंगे और खुद इंडस्ट्री हिम्मत करके इन चीज़ों की इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर ले, तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री हमें बहुत आगे ले जाएगी। और मैं आखिर में तमाम दोस्तों को फिर एक दफ़ा कहूँगा कि इस वक्त मुल्क की नहायत अहम ज़रूरत है एक्सपोर्ट्स। सो जिस तरह भी हो आप एक्सपोर्ट में सब लोग आगे आएँ, अपना हिस्सा डालें और कोशिश करें कि फैन इंडस्ट्री को इंजीनियरिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट में नंबर वन लेके जाए। मैं आखिर में सबका एक दफ़ा में शुक्रिया करता हूँ। Thank you.